हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गृह सोनाली। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करी लीव्स हेयर ऑयल को बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ। इस ऑयल के रेगुलर यूज से आप अपने झड़ते टूटते बालों से निजात पा सकते हैं। यह हेयर ऑयल बालों की रीग्रोथ में बहुत हेल्प करता है और यह बालों को हेल्दी और शाइनी भी बनाता है। यह ऑयल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को तेज करता है, जिससे नए हेल्दी हेयर को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। और यदि आप हफ्ते में दो बार इस ऑयल से अपने बालों की मसाज करेंगे तो यह हेयर ऑयल केवल 10 दिनों में 1 इंच तक आपके बालों को लंबा कर सकता है। आइए अब जानते हैं इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सबसे पहले आपको चाहिए 125 ml कोकोनट ऑयल, 50 ml कैस्टर ऑयल, एक गुच्छा करी लीव्स जिसमें 10 से 12 स्प्रिंग्स हो। इन करी पत्तों को धोकर 2 से 3 दिन तक अच्छी तरह से सुखा लें। इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना सुखाएं। 2 से 3 दिन के बाद जब ये अच्छे से सूख जाए तब इन्हें मिक्सी में बारीक पीस लीजिए। लास्ट इंग्रेडिएंट है दाना मेथी। दाना मेथी को भी अच्छी तरह से मिक्सी में बारीक पीस लीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे इस गृह सोनाली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। आइए अब जानते हैं इस ऑयल को बनाना किस प्रकार से है। सबसे पहले एक पैन में कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल, इन दोनों को गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब यह तेल गर्म हो जाए तब इसमें बारीक पिसा हुआ दाना मेथी पाउडर और करी लीव्स पाउडर डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक पका लीजिए। इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब यह तेल पक जाए तब इसे ठंडा होने के लिए 4 से 5 घंटे तक इसी तरह से पड़ा रहने दें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब इस तेल को छान कर किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर लें। अब इस हेयर ऑयल से रात को सोने से पहले अपने बालों में सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कीजिए और अगले दिन अपने बालों को अपने रेगुलर शैम्पू से धो करके साफ कर लें। इस हेयर ऑयल को आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल ड्राई बालों को मॉइस्चराइज करता है। यह बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है और यह हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा दिलाता है और बालों को डैमेज होने से बचाता है। साथ ही साथ स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को भी यह दूर करता है। कैस्टर ऑयल में बहुत ही अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को तेज करते हैं। यह बालों को हेल्दी और ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों की कैरोटीन को सपोर्ट करके उन्हें मजबूत और घना बनाते हैं। और करी लीव्स में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन और कैरोटीन पाया जाता है जो बालों को टूटने से बचाते हैं और यह स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को दूर करने में भी बहुत मदद करते हैं। मेथी दाने में अमीनो एसिड पाया जाता है जो बालों को घना, सुंदर और शाइनी लुक देते हैं। साथ ही यह हेयर फॉल की समस्या को दूर करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। दोस्तों, यदि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो नीचे थम्स अप के बटन पर क्लिक करके इसे लाइक करना ना भूलिएगा और आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।